हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा नवी की प्रश्नावली है 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 हमने बच्चों इसकी पहली वाली वीडियो में सॉल्व कर लिया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। यानी कि बच्चों, यहाँ पे कुछ बहुपद दिए गए हैं, इनके एक्स मतलब एक्स का गुणा किस किस के साथ में हो रहा है वो हमें लिखना है। देखो बच्चों, पहला हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, ठीक है। तो इधर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ गुणा है क्या? नहीं है। तो जिसके साथ में कोई गणित का अंक नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसमें भी नहीं है। ये एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ में हो रहा है? पाई बटे टू। और इधर इसका गुणा इसके साथ में मतलब रूट के साथ में नहीं होता है, तो इसका आंसर जी होगा। तो इसके साथ में कोई गुणा नहीं है, मतलब एक्स का गुणा एक में तो होता ही है, हमने देखा होगा, ठीक है। तो इसके साथ में कोई नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक के साथ में, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा किस में हो रहा है? एक में हो रहा है। फिर यह है दूसरा प्रश्न, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ हो रहा है बच्चों? इसमें कुछ नहीं है गणित का अंक, यानी कि एक मानेंगे, माइनस का एक के साथ में, ठीक है। और तीसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ में हो रहा है? पाई बटे दो के साथ में। और इसमें बच्चों, जब ये इस तरह का दिया हो ना रूट के साथ में, तो ये नहीं माना जाता है, ठीक है, ये नहीं मानेंगे हम रूट दो। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0, ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो बच्चों, 35 घात के द्विपद का मतलब कि जो भी चर है उस पर घात 35 चढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप मन से भी लिख सकते हो इसका आंसर। हम इसका आंसर लिख देंगे एक्स की घात 35 और दो पद बताना है प्लस 5, ठीक है, ये मन से लिख देंगे। अब बच्चों, दो पद कैसे हुए? जो प्लस और माइनस रहते हैं ना, ये पद में बांट देते हैं, ठीक है। तो देखो, प्लस बीच में आ गया, तो एक और दो, दो पद हो गए, वो घात हमने 35 चढ़ा दी। तो आप इस तरह से लिख सकते हो एक्स की घात 35 प्लस 5, ये दो पद में हो गए। अब 100 की घात मतलब किसी पे भी हमको 100 की घात चढ़ानी है, तो चर पे ही चढ़ाएंगे हम। चर कौन कौन से, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अंग्रेजी के अक्षर हैं उन्हें हम चर बोलेंगे, ठीक है। तो चर पे घात एक पद में बताना है। तो देखो बच्चों, एक पद हो गया, न इसके आगे प्लस है न इसके पीछे प्लस है, तो ये एक पद में हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब यहाँ पे बच्चों कुछ बहुपद दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें इनकी क्या लिखनी है? घात लिखनी है। तो घात जो बच्चों सबसे ज्यादा बड़ी घात होगी ना, वही घात इसका आंसर होगी, ठीक है। तो जैसे आप इसमें मुझे बता सकते हो, अब देखो बच्चों, इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ी घात किसकी है? इसकी एक्स की क्यू है ना, मतलब एक्स की घात 3 है, 3 को हम क्यू भी बोलते हैं, ठीक है, एक्स की घात 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। सबसे बड़ी घात लिखनी है इधर। अब इस बहुपद में कौन सी बहुपद की घात कितनी है? तो वाई की घात 2 हो जाएगी, यानी कि 2। अब इसमें कोई घात नहीं है टी के ऊपर, चर पे चढ़ी हुई घात बतानी है हमें, ठीक है। तो वाई पे टी पे कोई सी घात नहीं है, तो एक मान लेंगे। अब ये तो बच्चों अचर है ना, ये कौन सा अचर बहुपद है? अब हमें तो चर की घात बतानी है, अचर की थोड़ी ना बतानी है। मैंने आपको बच्चों पहले भी वीडियो में समझाया, चर जितने भी अंग्रेजी के अक्षर होंगे वह चर कहलाएंगे, और जो गणित के अंक होंगे वह अचर कहलाएंगे। तो ये तो गणित का अंक है, यानी कि अचर है, तो अचर है यानी कि इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं होती है समाप्त। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।